डिफ्लेशन एब्रेशन और इम्पैक्ट कॉज करते हैं अकर करते हैं डिफ्लेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें रिमूव किया जाता है डस्ट और हमारे स्मॉल पार्टिकल्स को फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रॉक्स रॉक्स की सर्फेस से जितना भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लिफ्ट और रिमूव किए जाते हैं डिफ्लेशन प्रोसेस में वेर आज जो हमारा एब्रेशन होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर सबसे मेन होता है जो हमारी सैंड होती है और यू कैन से सिल्ट वो एक एक्ट करते हैं एज एन इफेक्टिव टूल टू एब्रेड द लैंड सरफेस। एब्रेड का मतलब होता है टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन इरोजन। इरोजन या फ्रिक्शन की वजह से जब हमारी सैंड लैंड सरफेस से प अवे की जाती है वियर अवे की जाती है उसको हम एब्रेशन कहते हैं और विंड जो है एब्रेशन प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव वे में करता है लास्ट में जो उसके इम्पैक्ट का कॉज होता है वो होता है हमारा शेयर फोर्स ऑफ मोमेंटम का और ये तब आकर होता है जो हमारी सैंड होती है वो एक जगह से ब्लो आउट होके हमारी रॉक सरफेस से चली जाती है अब हम बात करते हैं हमारे विंड्स के इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में कि जो हमारी विंड है वो इरोजनल लैंड फॉर्म्स कितने टाइप की फॉर्म करती है जिसमें पहला जो है हमारे पास वो है पेडिमेंट्स एंड पेडीप्लेन्स जो हमारा जेंटल इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर होता है जो हमारे माउंटेन के फुट पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है जहाँ हमारा माउंटेन ख़त्म होगा वहाँ पे हमारे पेडिमेंट्स पाए जाएंगे और जो ये पेडिमेंट्स होते हैं इसमें या तो हमें डेब्रीज की थिन कवर मिलती है या नहीं मिलती है और उस जेंटल इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स को हम लोग पेडिमेंट्स कहते हैं जेंटल इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रीज आर पेडिमेंट्स और ऐसे फ्लोर्स हमें तब देखने को मिलते हैं जब हमारा जो इरोजन प्रोसेस होता है माउंटेन्स में उसमें लेटरल इरोजन हुआ होता है विद द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग हमारी जो स्ट्रीम्स और शीट फ्लडिंग जब लेटरल इरोजन करती हैं और लेटरल इरोजन की वजह से हमारे पास पेडिमेंट्स फॉर्म होके आते हैं उनके इरोजन की वजह से हमारे पास ये रॉकी फ्लोर्स फॉर्म होके आते हैं जो हमारे पेडिमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेस तक एक्सटेंड हो जाते हैं हमारे माउंटेन फ्रंट तक एक्सटेंड हो जाते हैं और अपने पीछे वो एक रेमिनेंट छोड़ के जाते हैं माउंटेन टाइप का रेमिनेंट वो छोड़ के जाते हैं उसको हम कहते हैं इंसलबर्ग इंसलबर्ग जो है वर्ड वो डेविस ने यूज़ किया था अपनी साइकिल ऑफ इरोजन में एंड पेनी प्लेन से पहले जो छोटा सा रेमिनेंट होता है माउंटेन का उसको डेविस ने इंसलबर्ग एक्सप्लेन किया और जो हमारा एक्सटेंसिव प्लेन होता है बड़ा प्लेन होता है जो कि फॉर्म हुआ होता है हमारे डेजर्ट एरियाज में बाय द कॉलीसेंस ऑफ नेबरिंग पेडिमेंट्स जब हमारे दो पेडिमेंट्स जॉइन होते हैं और उनके ज्वाइनिंग से जो प्लेन हमारे पास निकल के आता है डेजर्ट एरियाज में उसको हम कहते हैं पेडीमें पेडीप्लन यहाँ कोलसेंस का मतलब होता है टू ज्वाइन सो जब हमारे पेडिमेंट्स ज्वाइन होके एक एक्सटेंसिव प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम पेडीप्लेन बोलेंगे सेकेंड जो हमारी लैंडफॉर्म है वो है प्लायास जो प्लायास है वो ड्राई वेजिटेशन फ्री और एक फ्लैट एरिया होता है हमारे डेजर्ट अनड्रेन्ड बेसिन में प्लायास जब बनते हैं जब वाटर की वजह से हमारे डेजर्ट एरियाज में डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है और वो डिप्रेशन एक लेक की तरह दिखाई देता है एंड उस लेक से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाता है उस लेक में वाटर तो वो कुछ लेयर्स छोड़ जाता है सॉल्ट की उन लेयर्स की वजह से ही हमारे पास प्लायास का फॉर्मेशन होके आता है थर्ड इरोजनल लैंडफ़ॉर्म है हमारी विंड्स की डिफ्लेशन हॉलो एंड केव्स जो हमारा वेदर्ड मटेरियल होता है रॉक्स के ऊपर बेयर सॉइल के ऊपर जब वो ब्लो आउट हो जाता है हमारे विंड करंट्स की मूवमेंट की वजह से जब हमारी विंड एक ही रॉक पे वेदरिंग स्टार्ट करती है अपना इरोज़न स्टार्ट करती है तो उस रॉक का उस सॉइल का जो वेदर्ड मेंटल होता है ऊपर का वो एक जगह से ब्लो आउट होके दूसरी जगह पे चला जाता है एंड जहाँ से वो ब्लो आउट होता है जिस जगह से वहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है शालो डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है और उसी शालो डिप्रेशन को हम कहते हैं डिफ्लेशन हॉलो और हम लोग उसको ब्लो आउट भी कहते हैं एंड जब हमारे ब्लो आउट डीप और वाइड होने लगते हैं उन डीप और वाइट ब्लोआउट्स को डिफ्लेशन हॉलोस को हम लोग केव्स कहते हैं। फिर है हमारी नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म विंड की मशरूम टेबल एंड जिन रॉक्स का ब्रॉड अपर पार्ट होता है और बेस नैरो होता है और इसी वजह से वो रिजेंबल करता है एज अम्ब्रेला के जैसे या फिर मशरूम के जैसे उन रॉक्स को हम लोग मशरूम रॉक्स या फिर पेडेस्टर रॉक्स कहते हैं, बिकॉज उसका फॉर्मेशन हमें मशरूम के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है एंड मशरूम रॉक्स को हम लोग गारा कहते हैं इन सहारा डेजर्ट एंड पिल्स फेल्सन कहते हैं इन जर्मनी। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है ये एक रॉक थी इसमें विंड ने अपने इरोजन प्रोसेस से इसको मशरूम रॉक में चेंज कर दिया एंड इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है और इसका जो अपर पार्ट है वो वाइड है सो so ये स्ट्रक्चर एज इन मशरूम की तरह हमें दिखाई दे रहा है सो so इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं मशरूम और पेडिस्ट्रल रॉक्स अब हम बात करते हैं हमारे विंड्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में सो so, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है हमारे विंड का वो है सैंड ड्यून्स सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन के लिए ड्राई हॉट डेजर्ट सबसे अच्छी प्लेसेस माने जाते हैं और ड्यून्स की फॉर्मेशन के लिए ऑब्स्टेकल्स का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमारे ड्यून्स की फॉर्मेशन में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तो जो हमारी सैंड होगी वो डिपॉजिट अच्छे से नहीं कर पाएगी मटेरियल। ऑल्सो जो हमारे सैंडूंस होते हैं इनमें काफ़ी ज्यादा वेरायटी होती है काफी ज्यादा टाइप्स के सैंडूंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास होता है सबसे पहले बर्चंस सैंडूंस जो ये सैंडूंस होते हैं इनकी जो शेप होती है वो क्रीसेंट शेप जैसी दिखती है ऑल्सो जो इनका शेप होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है उसके बाद है हमारे पास पैराबोलिक ड्यून्स ये यू शेप्ड ड्यून्स होते हैं ये लॉन्ग एंड नैरो ड्यून्स होते हैं ऑल्सो ये हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ हमारे पास थोड़ा वेजिटेशन होता है लेस वेजिटेशन की एरियाज पे हमें सैंड सैंडुल्स देखने को मिलते हैं फिर हमारे पास ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये पोपेंडिकुलर होते हैं हमारे विंड डायरेक्शन के लास्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सैंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये तब फॉर्म होते हैं जब हमारा जो विंड मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है सो so ये थे हमारी कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आई होप आपको समझ आए होंगी थैंक यू क्लास एक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर